सीक्रेट तो कुछ भी नहीं, सब सारे चारे। वाह क्या किस्मत है, हाँ आराम से बैठ के व्यायाम कर रहे हैं, ना कोई चिंता है ना कोई फिक्र है। चिंता और फिक्र ना हो इसलिए ये कर रहे हैं नर्मदा जी। वैसे ये व्यायाम नहीं प्राणायाम है, और इसके करने से शरीर में खून नहीं ऑक्सीजन बढ़ती है। आइए बैठिए, आप भी हमारे साथ कीजिए। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि शांति से दो घड़ी बैठे और प्राणायाम करें। वैसे ये अच्छा है कि आप प्राणायाम करके अपना खून बढ़ाते रहें और हम घर गृहस्थी की चिंता करके अपना खून जलाते रहें। तो किसने कहा है आपसे खून जलाने के लिए? मत जलाइए खून, थोड़ा सा समय निकालिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। और ये आज आपको हमारी इतनी चिंता कैसे हो गई? आज से पहले तो आपने कुछ नहीं कहा। हम तो हमेशा कहते हैं, आप हमें कुछ कहने का मौका कहाँ देती हैं? खैर जब जागे तब सवेरा है ना, तो आइए दो घड़ी बैठिए शांति से और प्राणायाम कीजिए, मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अब तो मर के ही हमारे मन को सुकून मिलेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप, हा? क्या हुआ? देखिए हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, हमें आपकी फिक्र है। छोड़िए, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है। अगर आपको हमारी फिक्र होती ना तो आप हमारे लिए बहुत कुछ करते, और हमें यूं आज आपको इस बात का एहसास नहीं दिलाना पड़ता कि हम भी इंसान हैं और हमें भी। और आपको भी? आपको भी क्या? रुक क्यों गए आप? कहिए क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी अपने बेटे को देखकर कुछ सीख लिया कीजिए। 4 दिन नहीं हुए उसकी शादी हुए और देखिए अपनी पत्नी की कैसे जी हुजूरी कर रहा है। और एक आप हैं, जी हुजूरी तो छोड़िए, आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। तो ये बात है, अभी सुबह की चाय भी नहीं मिली और तोहमतें शुरू हो गईं। वैसे क्या जी हुजूरी कर रहे हैं हमारे साहबजादे? यही जी हुजूरी कर रहे हैं आपके साहबजादे, सुबह की चाय बना रहे हैं गौरी के लिए। ऐसी बात है तो बस ठीक है, आज से हर सुबह की चाय हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? बस आप ये नाराजगी छोड़ दीजिए, क्या ना कि आप नाराज रहती ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मुस्कुरा दी, थोड़ा सा ओ, 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 आ, आ, आ। ओ जौनपुर वाली, आज मंदिर नहीं आना? अरे का कमरे में ही घुसी रहोगी का? माता प्रसाद अपनी बीवी के चरण दबाना छोड़ो। हो गया कल्याण, सुन लिया आपने? सुन लिया ना, यहाँ आपने हमारे लिए अच्छा कहा, वहाँ आपकी माताजी ने सुन लिया और हमें ताने भी सुना दिए। इससे पहले कि हमें 4 बातें सुनाए हम जा रहे हैं। गौरी के अलावा इस घर में और भी लोग हैं हमारा सुख चैन छीनने वाले। मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां, हो छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां। ये साजिश है मौसम की सारी या तेरे इश्क की खुमारी, हो तुझे कैसे बताऊं गोरी, ये जो परदेश मेरा देश हुआ रे। ओ छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां। अरे
तुम हमारे पीछे पीछे पूंछ की तरह क्यों घूम रही हो? हाँ, समझ में नहीं आ रही है? ए भोलेनाथ, कहाँ गए होंगे वो दोनों? हाय हाय अम्मा जी, ये क्या से क्या हो गया? मतलब एक ही पल में पूरी की पूरी बाजी पलट गई। मतलब आप गौरी को घर से भगाने वाली थी, यहाँ गौरी शिव भैया को लेकर भाग गई। सच कहते हैं अम्मा जी, आपने ना बहुत देर कर दी। तुम हमारे जले पे नमक क्यों छिड़क रही हो? हाँ? अब नहीं अम्मा जी, हम तो बस यही बता रहे थे कि काश आपने पहले उन पर लगाम कसी होती। इसी बात का तो पछतावा है हमें। हमने तो सारी तैयारियां करके रख ली थी। अगर निशा हमारा साथ देती ना, तो ये गौरी पगफेरे की रस्म के बाद बनारस वापस नहीं आ पाती। हाँ, निशा ने हमें धोखा दिया और दूसरी तरफ गौरी बिना बताए 2 दिन पहले चली आई। अरे कुछ नहीं कर पाए हम। वैसे अम्मा जी, हमारी ना एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपको गौरी से प्रॉब्लम क्या है? यहाँ उसकी वजह से हमारा घर संसार उजड़ रहा है और तुम्हें गौरी में कोई कमी नहीं नजर आ रही, बेवकूफ। नहीं अम्मा जी, वो हमने ना उसमें कमी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आई कमी। वैसे अम्मा जी, शिव भैया उसे प्यार बहुत करते हैं, नहीं? यही तो सबसे बड़ी समस्या है, उसने हमारा मुन्ना हमसे छीन लिया है। हाँ अम्मा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मतलब गौरी का भोला भाला चेहरा देखकर कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वो ऐसा भी कर सकती है। अरे सरला, अरे तुम्हें क्या बताएं? तुम ये मुंबई की लड़कियों को नहीं जानती हो, बड़ी चालाक होती हैं, तेज तर्रार। देखा नहीं हमारे मुन्ना को कैसे नाच नचा रही है, चक्कर घन्नी की तरह घूम रहा है। वो तो है, मतलब शिव भैया हद से ज्यादा ही हमेशा गौरी के आगे पीछे घूमते रहते। धीरे बोलो, माता जी सुन लेंगी। जाओ। अब उतनी दूर बैठ के बताओगी हमें? पास आओ। हाँ। अरे अब बोलो, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? जी, जब गौरी नहीं थी तब तो शिव भैया हमेशा आपके आगे पीछे घूमते थे, है ना अम्मा जी? और नहीं तो क्या, कभी मुन्ना को देखा है ऐसी हरकत करते हुए? हाँ? हर बात हमें बताकर करता था, क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हर बात हमें बताकर हमसे सलाह लेकर करता था। लेकिन अब हमें बताना तो दूर, अपना मोबाइल कोठरी में छोड़कर चला गया, हाँ? ताकि हम उससे बात भी ना कर पाए। ये तो हद हो गई अम्मा जी। वैसे अम्मा जी, आपको तो बड़ी फिक्र हो रही होगी, नहीं? और नहीं तो क्या, इतनी फिक्र हो रही है हमें, रे हमारी तो जान निकली जा रही है। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं और अब मुन्ना कहाँ है, और हम वहां बैठे बैठे क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ हम इतने परेशान हैं और तुम बैठ के हमारी बातें सुन रही हो? ए गंगा मैया, ए गंगा मैया। ए गंगा मैया, हमें मुन्ना की रक्षा करना उस चुड़ैल से। मुन्ना, कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे तुम गौरी को लेकर? हाँ, और क्यों गए थे? किससे पूछ कर गए थे तुम? जवाब दो हमें। और गौरी कहाँ है?